हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा कि बाबरी विध्वंस प्रकरण में आरोपियों को न्याय मिल गया, अब ध्वस्त मंदिरों की पुनर्निर्मिति की जाए। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस अभियोग के सभी आरोपियों को निर्दोष मुक्त करने का निर्णय केंद्रीय अपराध अन्वेषण विभाग CBI के विशेष न्यायालय ने दिया है, उसका हम मनःपूर्वक स्वागत करते हैं। इस निर्णय के कारण सत्यमेव जयते पुनः एक बार सिद्ध हो गया है। गत वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि होने तथा श्री राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। उस समय यह सिद्ध हो गया था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य अवैध है, ऐसा हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा। नमस्कार, मैं हिंदू जनजागृति समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे। आज जो CBI न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में जो निर्णय दिया है उसका स्वागत करता हूं। सत्यमेव जयते हमारे यहां पर कहा जाता है, वास्तविकता में आज इसका अनुभव हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष नवंबर महीने में ही राम जन्मभूमि के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया है उससे ही स्पष्ट हो गया था कि वहां पर बाबरी मस्जिद जो बनाई गई है वो एक प्रकार से अतिक्रमण है और मूलतः जो भूमि है वो प्रभु श्री राम की है। इसका निर्णय करने के लिए जो विलंब, बार बार विलंब जो हो रहा था उसके कारण वहां पर जो जनमानस एकत्रित हुआ था तो उसकी जनभावना वहां पर उनका उद्रेक होने के कारण से ये घटना घटी। न्यायालय ने भी इसका उल्लेख किया है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इस जनभावना के आगे जाकर के यदि हम देखेंगे तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने के बाद जो भारत भर में दंगे कराए गए, आज भी उसका दाऊद जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। 1990 में जब कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया तब वहां पर कितने मंदिरों का विध्वंस किया गया, क्या उसको आज न्याय मिला है? तो आज यहां पर हम जो देख रहे हैं कि एक हिंदू समाज को दोषी बताने के लिए काफी बड़ा षड्यंत्र यहां पर किया गया और बाबरी मस्जिद का टूटना एक बहुत बड़ा एक अपराध के जैसा भारत में बताया गया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज आंध्र प्रदेश में भी मंदिर और मूर्तियां टूट रही है, हिंदुओं की भावनाओं का अनादर किया जा रहा है। तो हमारा कहना यही है कि इस निकाल के साथ, इस निर्णय के साथ हिंदू समाज की जन भावनाओं का भी आदर होना चाहिए और जो उस समय पे जो मंदिर गिराए गए हैं तो उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। शिंदे आगे बोले कि राम जन्मभूमि के संदर्भ में सरकार द्वारा विलंब होने वाले निर्णय के कारण जनमानस के धैर्य का बांध टूट गया था। इससे आगे जाकर हमारा कहना है कि इस बाबरी के ध्वस्त होने के उपरांत संपूर्ण देश में दंगे किए गए तथा हिंदू समाज और मंदिरों को लक्ष्य किया गया। उनमें लिप्त एक प्रमुख आरोपी दाऊद इब्राहिम अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए गए। वर्ष 1990 में कश्मीर से लाखों हिंदुओं को विस्थापित करने के पश्चात वहां के अनेक मंदिर ध्वस्त किए गए, क्या उन्हें न्याय मिला? आंध्र प्रदेश में भी वर्तमान में हिंदू मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने का ही सत्र चल रहा है, इस संबंध में कोई क्यों नहीं बोलता? इस निर्णय के साथ हमारा कहना है कि हिंदुओं की जन भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए, हिंदुओं के जो मंदिर ध्वस्त किए गए हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। हरिओम ओझा की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।